पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। संबंध नहीं बनाया था बच्चों के सामने महिला का मर्डर, बेतिया में हत्या के बाद जेठ ने किया सरेंडर, दुबई में रहता है पति, बेतिया में जेठ ने मासूम बच्चे के सामने गला रेत कर महिला की हत्या। बेतिया के घर वालों का कहना है कि आरोपी जेठ धनराज मुखिया रामराज मुखिया की पत्नी आशा देवी पर लगातार शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। महिला के मना करने पर मंगलवार की रात हरदार हथियार से गला रेत कर मर्डर कर दिया। हत्या के बाद धर्मराज मुखिया खुद थाने पहुंचा और हत्या की बात कबूल की। घटना मझरिया थाना क्षेत्र के मझरिया से वार्ड नंबर 5 की है। मृतक की बड़ी बहन शोभा देवी ने बताया कि आशा की शादी वर्ष 2019 में हुई थी। उसे एक 3 साल का बेटा प्रिंस कुमार और 1 साल की बेटी प्रियंका कुमारी है। उसके पिता पिछले 1 साल से दुबई में है। बार बार शारीरिक संबंध का बनाता था दबाव। शोभा के अनुसार आरोपी जेठ धर्मराज ऑर्केस्ट्रा में काम करता है। ऑर्केस्ट्रा की लड़की से उसने शादी की थी लेकिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद पिछले 1 साल से महिला के साथ जबरन संबंध बनाना चाह रहा था। आशा अपने दोनों बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती थी। उसका जेठ धर्मराज मुखिया उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे लेकिन वो मना करती थी। इसे लेकर धर्मराज ने कई बार आशा के साथ मारपीट भी की थी। मृतक की बहन शोभा का कहना है कि जेठ की हरकत से परेशान होकर आशा ने 2 बार पुलिस से शिकायत भी की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात में जबरदस्ती के बाद की हत्या। शोभा के अनुसार मंगलवार रात आशा खाना खाकर अपने बच्चों के साथ सो रही थी तभी जेठ उससे कमरे में आ गया। उसने महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की लेकिन विरोध करने के बाद धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। सूचना पर मायके वालों ने पहुंचकर घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद उसने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। वही सदर एसटीपी अमन विवेक जीत ने बताया कि आरोपी जेठ धर्मराज मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मृत महिला के परिजनों के आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़, बेतिया।